हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत में कितने कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। कृषि विज्ञान का क्या काम है, वो किसानों के हित में किस प्रकार से काम करें, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इसमें देखते हैं सबसे पहला हमारा किस राज्य में कितने कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं और उनकी संख्या कितनी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं। कितने टोटल? 3 कृषि विज्ञान केंद्र। फिर बात आती है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 24 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं। कितने? 24 कृषि विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें अरुणाचल प्रदेश में 17 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें आसाम में 26 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं। फिर बात आती है बिहार की। बिहार में दोस्तों 44 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं। कितने? 44 कृषि विज्ञान केंद्र। फिर नेक्स्ट इसमें छत्तीसगढ़ में दोस्तों 28 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं। फिर बात आती है दिल्ली की। दिल्ली में दोस्तों देखते हैं इसमें 1 कृषि विज्ञान केंद्र पाया जाता है, केवल 1 कृषि विज्ञान केंद्र पाया जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा गोवा। गोवा में 2 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में 30 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं। कितने? 30 कृषि विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में 18 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं जो किसानों के हित में सुचारू रूप से दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल दोस्तों 13 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर। जम्मू का स्थापित किए गए हैं जो किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 13 कृषि विज्ञान केंद्र, जम्मू कश्मीर में 20 कृषि विज्ञान केंद्र। बात आती है झारखंड की, तो झारखंड में दोस्तों 24 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में 33 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों केरला। केरला में 14 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं। फिर इसमें देखते हैं दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप। आप लोग वीडियो क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ये दोस्तों है लद्दाख। लद्दाख में देखते हैं इसमें 4 कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 1 कृषि विज्ञान केंद्र पाया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों 54 कृषि विज्ञान केंद्र पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 50 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं जो किसानों के हित में दिन प्रतिदिन काम करें सुचारू रूप से, जिसे उन्हें अच्छी अच्छी योजनाओं के बारे में पता लग सके, अच्छे यंत्रों के बारे में पता लग सके, अच्छी फसलों के बारे में पता लग सके, इसे वो अच्छे से उपयोग कर सकें, सुचारू रूप से जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों 9 कृषि विज्ञान केंद्र है। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में 7 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में 8 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं जो किसानों के हित में कार्य कर सके। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड में 11 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में 33 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसमें हम, नेक्स्ट दोस्तों इसमें है पंजाब। पंजाब में 22 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में 47 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में देखते हैं दोस्तों, तो इसमें 4 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं जो किसानों के हित में कार्य कर सकें। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों 32 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में 16 कृषि विज्ञान। दोस्तों इसमें पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल